नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मिश्रा। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक्स पर खूब फिल्में बन रही। वही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यह ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनाने वाले। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ का रोल वो खुद निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये रोल निभाना उनके लिए सौभाग्य की तरह होगा। दरअसल हाल ही में फेसबुक लाइव के दौरान फैंस से बातचीत में निरहुआ ने अपने कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। वहीं इस दौरान एक फैन के सवाल पर निरहुआ ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन के बाद वो योगी की जिंदगी पर काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा, ये सौभाग्य की बात है, आपने बेहतर सवाल पूछा। योगी आदित्यनाथ का जीवन ऐसा है कि सभी को उससे सबक लेना चाहिए। एक महंत से आज प्रदेश के मुखिया तक उनकी जर्नी सबके सामने होनी चाहिए। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं उन पर फिल्म बनाऊं और उनका किरदार खुद निभाऊं। निरहुआ ने इस दौरान साफ किया कि वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। बाल मुड़वाकर वो योगी बनेंगे और फिर इस फिल्म को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे, ताकि सभी लोग योगी आदित्यनाथ के जीवन संघर्ष को जान सके। बता दें कि इन दिनों नेताओं पर कई फिल्में बन रही। पिछले साल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की लाइफ पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की फिल्म बनी, जिस पर अनुपम खेर ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। वहीं पिछले साल ही पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर भी विवेक ओबेरॉय फिल्म लेकर आए थे। इसके अलावा जल्द ही कंगना भी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर थलाइवी नाम की फिल्म लेकर आ रही। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी इंदिरा गांधी की लाइफ पर एक वेब सीरीज कर रही, जिसमें काम करने के साथ साथ वो इसे प्रोड्यूस भी करेंगी। वहीं अब निरहुआ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जिंदगी को सबके सामने पेश करेंगे।